नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। जयपुर में निम्स इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। भारत में नेपाल के राजदूत एच ई शंकर शर्मा ने आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रहे। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा विशिष्ट अतिथि रहे हैं। वहीं नेपाल एम्बेसी के सांस्कृतिक और शैक्षिक सलाहकार यदुनाथ विशेष अतिथि हैं। इसके साथ साथ पॉप सिंगर अशोक मस्ती ने भी शिरकत की है। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और मुख्य संरक्षक डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर ने सभी का स्वागत किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से सीधी तस्वीर, जो उद्घाटन किया गया है कॉलेज का, इंटरनेशनल कॉलेज का। और उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम जितने भी नए नए छात्र हैं, तमाम फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो सब मौजूद हैं। साथ ही उद्घाटन किया गया दीप प्रज्वलित कर। तो स्कूल के संरक्षक डॉक्टर बी एस तोमर ने स्वागत किया सारे अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे चेयरमैन एंड चांसलर, द मैन, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द रिसर्चर, द स्कॉलर, जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु हार्वर्ड, किंग्स कॉलेज, लंदन जैसी जगहों पर भी पढ़ाई की है। और वहीं से उन्होंने सपना सजोया था कि कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूशन इंडिया में भी होना चाहिए और निम्स यूनिवर्सिटी और निम्स ग्रेजुएट स्कूल यहाँ पर। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार फिर हमारे चेयरमैन चांसलर सर का। Good afternoon to everybody. First of all, I welcome to His Excellency Shri Honorable Shri Sharma ji, who is a ambassador of Nepal to India in Indian embassy, Nepalese embassy at New Delhi. I'm very thankful to him. मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त समय से समय निकाला और हम सबको और खास तौर से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अपना वक्त निकाला। उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मीना साहब, जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने बहुत ही व्यस्तम समय से यहाँ आकर के हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नेपाली एम्बेसी इन दिल्ली में नेपाल की तरफ से हिंदुस्तान के लिए कल्चर एजुकेशन के लिए विशेष अधिकारी पटोल साहब का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के सबका, बच्चों का मनोबल ऊंचा किया। उसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे भारत ही नहीं दुनिया के मशहूर पॉप सिंगर मस्ती जी का भी मैं बहुत आभारी हूं, जो हमारे नन्हे मुन्नों को और प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा खास तौर से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो छोटे हैं और जिनकी माताएं पिता साथ हैं, जो बच्चे खड़े होने में या वैसे दिक्कत है, वो सब खड़े होकर के इन विशिष्ट मेहमानों का एक बार स्वागत करें, जिससे कि नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत ही बल मिले। धन्यवाद। इसके साथ मैं सबसे ज्यादा आशीर्वाद, प्यार, एहसान, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स और खास तौर से उनको आदर देता हूं, उन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को जो निम्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने का। और उनके बहुत ही भाग्यशाली माँ बाप हैं जिन्होंने इन्हें भाग्यशाली नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा किए हैं, उन सब का भी मैं सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस गर्मी में भी यहाँ पर आए और आकर के हम सब का और खास तौर से मेरे प्यारे प्यारे छोटे मुन्नों का आदर बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। आप सभी लोग इस धन्यवाद के पात्र हैं। अब मेरी जो कुछ लाइन है, कुछ चीजें हैं, उन बच्चों के लिए हैं
जो बच्चे 5 साल के हो गए या उससे बड़े हो गए हैं उनको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी, 4 साल तक के बच्चों को बाद में समझ में आएगी, लेकिन जो 2 साल के 3 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो मैसेज देना चाहता हूं मैं, ये उनके माँ बाप को और सभी के माँ बाप को देना चाहता हूं कि आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सपना देखना सिखाइए। मेरा मतलब सपना देखने से मतलब होता है कि दिन में सपना देखना सिखाइए, रात में नहीं। दिन में सपने का मतलब होता है कि मुझे ये बनना है। जब मैं ये कहता हूं तो देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके बीच में हिज एक्सलेंसी जो नेपाल के हैं वो यहां नेपाल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा औहदा होता है किसी कंट्री के आज से आने का और इंडिया में उसको ये पद दिए जाने का। तो आज आप भी बड़े होकर छोटे मुन्ने मुन्ने ऐसे बने, किसी इंडिया के किसी कंट्री में जाके एम्बेसडर बने। इसके लिए आपको बहुत बड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा, बहुत एजुकेशन लेनी पड़ेगी और हिंदुस्तान के हिसाब से आपको IFS इंडियन फॉरेन सर्विस क्लियर करनी पड़ेगी। आप देखिए मीना साहब जो भरतपुर से ही हैं, हमारे बीच से ही हैं, पता होगा आपको, और इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें कि IPS होता है, इतना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक क्रैक किया और यूनियन टेरिटरी इनको मिली और आज दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं। उन सब के लिए भी आप सोचिए कि आपको क्या बनना है। पटेल साहब हैं, बहुत ज़्यादा अध्ययन में इनकी ज्ञान है, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। नेपाल ने इनको हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन एंड कल्चर में को जोड़ने के लिए भारतवर्ष से रखा है। यहाँ पर ये नेपाल और भारत की एजुकेशन एंड कल्चर प्रथा को जोड़ने के लिए हैं, विद्वान हैं। तो आप भी ऐसे बन सकते हैं भारत के, और कहीं किसी देश में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपके साथ जाने माने सिंगर बैठे हैं बस्ती जी, आज पढ़ाई नहीं, गाना, सिंगर, खेल कूद सभी में आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग मस्ती जी बन के आए, ये हमारा छठे मुन्ने मुन्नों से आशीर्वाद है। तो जो मैंने कहा था, ये चीज एकदम नहीं होती है। आपको जो बच्चा 5 साल का है मेरी बात सुन के समझ रहा होगा, और जो माँ बाप सुन रहे हैं सब कोई प्रण करके जाए कि उसको अपने बच्चे को भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बनाना है, सबसे बड़ा समाज सेवक बनाना है, सबसे बड़ा अध्ययन के रूप में नोबेल पुरस्कार दिलाना है, या किसी साइंस में नोबेल पुरस्कार दिलाना है, या IAS IPS सेवा में बच्चे को भेजना है, या किसी यूनिवर्सिटी में चांसलर वाइस चांसलर बनाना है, या टीचर और ही तरीके से बनाना है, या किसी और फील्ड में भी बनाना है। बहुत से फील्ड्स होते हैं, म्यूजिक्स है, आर्ट है, कल्चर में उसे महार बनाना है। तो आज किसी भी फील्ड में आप जाएं, जब तक आप बहुत मेहनत नहीं करते हैं, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता। जिन महान हस्तियों को आपने यहाँ देखा, उनका यहाँ स्वागत किया गया, वो भी कभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप जैसे थे, उनके भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने खुद ने और उनके पेरेंट्स ने सपने देखे थे कि इनको हम यहाँ पहुँचाएंगे। तो पेरेंट्स की मदद, बच्चों की मेहनत और लगन से, परिवार की लगन से आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा एक एक छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा यह आशीर्वाद लेके जाए कि वो कहीं जब मुझे मिले, IAS हो, IPS हो, बहुत बड़ा सिंगर हो, बहुत बड़ा एम्बेसडर हो, बहुत बड़ा नोबेल पुरस्कार मिल रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर हो, कहीं प्रोफेसर हो, कहीं समाज सेवी बन रहा हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मुझे बड़ा सुख होगा। इसी आशीर्वाद के साथ आज हमने इस स्कूल में बहुत परिवर्तन किया है। अब आप स्कूल में एक नई तरीके से पढ़ाई भी होगी, जिसको कि एक मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाएगा। विदेशों में जैसे पढ़ाया जाता है नन्हे मुन्ने बच्चों को, कलम नहीं होती, पेन नहीं दिए जाते हैं, एक नया तरीके से सिखाया जाएगा, उसको फोनिश तरीका कहते हैं, उसको अप्लाई करेंगे हम लोग। तो आप सब लोग इस भीषण गर्मी में आए, यहाँ आए, आप छोटे बच्चों को लाए, अब आज से एक ही आप लोग प्रण करके जाएं कि आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है, बस ये प्रण करके जाएं। और आपने उसको बना दिया तो मेरे, मैं जहां भी हूंगा
मेरी बस आत्मा या मैं खुद सफल हो जाऊंगा कि जो मैंने किया बड़ी मुन्नों ने करके दिखा दिया। धन्यवाद। आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। आपके आशीर्वाद स्वरूप व्याख्यान से हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से निम्स यूनिवर्सिटी ने प्रगति की है पिछले 21 साल में 21 ग्लोरियस ईयर्स, उसी तरह से हमारे निम्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पेरेंट्स की है, तो पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को गाइड करते रहें, और हमारे फैकल्टी और हमारे टीचर्स हैं वो तो आपके साथ 24/7 टच में रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन एंड चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर सर के लिए। तो सर ने आपको ये तो बता दिया कि वाइस चांसलर बनना है, पर बच्चों एक और ऑप्शन है आपके पास जो आप कर सकते हैं कि आप खुद ऐसा सपना देखें कि मैं निम्स जैसी यूनिवर्सिटी भी बनाऊं। तो वो सपना भी बहुत बड़ा सपना है। सबसे बड़ा सपना होगा कि इस तरह का आप कुछ बहुत बड़ा सेटअप बनाते हैं तो उसमें भी आप जब चाहे यूनिवर्सिटी, और सर आपके लिए अवेलेबल है, सबका प्रेरणा स्रोत रहे हमारे सर, उनको देख के हम सब शक्ति पाते हैं, मोटिवेशन पाते हैं। और साथ में यस, जिस तरह से नेपाल के हमारे हिज एक्सेलेंसी यहाँ पर है, बहुत बड़ी चीज है जैसा सर ने बताया कि अपनी कंट्री को किसी और कंट्री में रिप्रेजेंट करना। सर आई एम अगेन थैंकफुल, वी आर ऑल थैंकफुल फॉर यू गिविंग योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन। मूविंग फॉरवर्ड, अब तक तो हमने जो हमारे गेस्ट थे उनके बारे में बात की, और अब जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटी छोटी नन्ही कलियां हैं जिनको आपने घर में तो डांस करते हुए देखा होगा, तो मम्मी कहती होगी कितना नाचती हो, कितना डांस करती हो, फिर पापा बोलते हैं कि टीवी ऑन हो जाता है और मेरा बच्चा ऑन हो जाता है, डांस रुकता ही नहीं है। तो आज आप उनको यहाँ पे देखेंगे फैशन शो में। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल फैशन शो ऑफ द नन्ना मुन्ना बच्चा ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी। तो उनके स्टेज पे आने से उनके स्टेज छोड़ने तक मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रहेगा कि आप उनका हौसला अफजाई करते रहे। कैन वी स्टार्ट द फैशन शो? तो उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियां से हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे फैशन शो करते हुए रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। स्टार्ट कीजिए। वो आए हुए हैं यहाँ पर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निम्स की, और साथ ही अब इंटरनेशनल पहली मॉडल एक बार फिर म्यूजिक बजाइए बटरफ्लाई का प्लीज। म्यूजिक चलिए, जोरदार तालियां। वेल डन, डोंट वरी। चलिए तालियां। आप प्लीज कैमरे छोड़ दीजिए, आपको हमारी वेबसाइट पे इंस्टाग्राम पे सारा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हौसला अफजाई कीजिए अगर आप